हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2002 में आई एक थ्रिलर ड्रामा मूवी जॉन क्यू को। इस मूवी की सबसे खास बात इस मूवी की कहानी है, क्योंकि इस मूवी में जो बताया गया है वो इस दुनिया के लाखों लोगों की कहानी है, लेकिन उन कहानियों का अंत ऐसा नहीं होगा जैसा इस मूवी का हुआ है। इस मूवी के जरिए हमारे सामने कई छुपी सच्चाइयां भी आती है जिनके बारे में हमें पता तक नहीं होता। साथ ही ये मूवी हर उस इंसान और ऑर्गेनाइजेशन को नंगा करती है जो लोगों की मदद करने का दावा करते हैं, जैसे गवर्नमेंट, पुलिस, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस कंपनी, मीडिया। इन सबको इस मूवी ने पूरी तरह नंगा किया है। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और ऑडियंस ने तो इसे बहुत ही ज्यादा पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरह। मूवी की शुरुआत एक हाईवे से होती है। एक शॉर्ट हेयर वाली लड़की अपनी कार से कहीं जा रही थी। अब उसके सामने एक ट्रक आता है। वो ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से दूसरा ट्रक आ रहा था, जिससे बचने के चक्कर में उसके कार का बैक साइड ट्रक से टच होता है, जिससे उसकी कार घूम जाती है और पहले वाला ट्रक उसे टक्कर मार देता है। अब ये एक्सीडेंट का सीन यही कट होता है। अब अगले सीन में हम जॉन और उसकी वाइफ डेनिस को देखते हैं। जॉन न्यूज देख रहा था, क्योंकि उस समय अमेरिका की इकोनॉमी बहुत गिर गई थी और बेरोजगारी अपने चरम पर थी। तभी उसे कुछ सुनाई देता है, वो तुरंत बाहर भागता है। दरअसल लोन ना भर पाने की वजह से बैंक वाले उसकी कार ले जा लेते हैं और जॉन कुछ नहीं कर पाता। डेनिस ये देखकर बहुत नाराज होती है। तब उनका बेटा माइक भी बाहर आता है। अब ब्रेकफास्ट के टाइम डेनिस जॉन पर काफी नाराज हो रही थी, क्योंकि वो उसकी कार थी। यहाँ हमें पता चलता है उनकी माली हालत ठीक नहीं है और डेनिस रेस्टोरेंट में वेटरेस का काम करती है। जॉन उसे यकीन दिलाता है उसे जल्द ही उसके लायक जॉब मिल जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। फिर वहाँ माइक आता है। माइक WWE और बॉडी बिल्डिंग का बहुत बड़ा फैन है। वो बड़ा होकर रेसलर बनना चाहता है। अब थोड़ी देर बाद जॉन डेनिस को मना लेता है। अब जॉन डेनिस अपने काम पर और माइक अपने स्कूल के लिए निकलते हैं। रास्ते में वो गाना गा रहे थे, शॉर्ट में कहूँ तो अंताक्षरी खेल रहे थे। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि चाहे आप पर कितने भी मुसीबतें क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका परिवार आपके साथ है तो आप उन दुख और तकलीफों में भी खुशियों के कुछ पल तो ढूंढ ही सकते हो। स्कूल पहुंचने पर माइक जॉन से कहता है उसने $46 जमा किए हैं, अगर वो चाहे तो उन्हें ले सकता है, लेकिन जॉन उसके पैसे नहीं लेता। जॉन उसे गुड बाय कहता है, लेकिन माइक को गुड बाय बोलना पसंद नहीं था, वो सी यू लेटर कहता है। अब जाने से पहले जॉन और माइक बॉडी बिल्डर की तरह एक्ट करते हैं, ये उनके बाय बोलने का एक तरीका था। अब जॉन अपने काम पर जाता है। वो एक स्टील फैक्ट्री में लेबर का काम कर रहा था, लेकिन मजबूरी में, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन कहीं ज्यादा थी। वहाँ उसका एक दोस्त जिमी भी काम करता था। अब छुट्टी होने के बाद जॉन तैयार होकर एक जॉब का इंटरव्यू देने जा रहा था। जॉन ने इस जॉब के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा है। जिमी भी उसके साथ जाता है। वहाँ जाने पर पता चलता है एक जॉब के लिए 400 लोगों ने अप्लाई किया है। जिमी जॉन से कहता है यहाँ किसी को जॉब नहीं मिलने वाली, HR अपने किसी दोस्त, कजन या भतीजे को ये जॉब दे देगा और उसका एप्लीकेशन रख कर कहेगा वो ओवर क्वालिफाइड है। जॉन का नंबर आ गया था। जॉन मैनेजर से कहता है उसे इस जॉब की बहुत जरूरत है, वो चाहे तो वो आज से ही काम शुरू कर सकता है, लेकिन जैसा जिमी ने कहा था मैनेजर उसका एप्लीकेशन रख लेता है और उससे कहता है वो इस जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड है। अब सिंपल और शरीफ लोगों की तरह जॉन और जिमी का परिवार संडे को चर्च आते हैं। यहाँ से उन्हें बेसबॉल मैच देखने जाना था। अब प्रेयर के बाद सभी बेसबॉल मैच देखने जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ माइक बैटिंग करने आता है। डेनिस, जॉन, जिमी और उसकी वाइफ सब उसे चेयर कर रहे थे। माइक एक शॉट मारकर रन बनाने भागता है, लेकिन आधे रास्ते में ही उसे कुछ होने लगता है और वो तुरंत ही गिर जाता है। जॉन तुरंत अपने बेटे के पास भागता है। माइक ने सांस लेना भी बंद कर दिया था। दोनों तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। इमरजेंसी रूम में डॉक्टर तुरंत माइक को चेक करने लगते हैं, लेकिन डेनिस उन्हें अपना काम करने नहीं दे रही थी। तब एक डॉक्टर उन्हें बाहर जाकर फॉर्म भरने कहती है, क्योंकि वो माइक को एडमिट कर रहे थे। साथ ही उन दोनों को इमरजेंसी के लिए अपना ब्लड सैंपल देने कहती है। अब माइक और डेनिस काउंटर पर फॉर्म भर रहे थे, तभी वहाँ जिमी और उसकी वाइफ आते हैं। फिलहाल उन्हें पता नहीं था माइक को हुआ क्या है, उसके टेस्ट चल रहे थे। तब रिसेप्शनिस्ट जॉन से उनका इंश्योरेंस कार्ड मांगती है ताकि वो माइक की फाइल बना सके। अब कुछ देर बाद माइक स्टेबल था। जॉन और डेनिस उससे मिलने जाते हैं। माइक से बात करना भी नहीं हो रहा था। तब वहाँ एक डॉक्टर था जो वेंटिलेटर की रेटिंग ले रहा था। डेनिस उससे वेंटिलेटर के बारे में पूछती है। वो बहुत सारी बातें बताता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था माइक का ब्लड प्रेशर, जो फिलहाल 88 पर है। अगर एक बार और माइक का ब्लड प्रेशर 70 से नीचे गया तो उसका हार्ट फेल हो जाएगा। उसके जाते ही दोनों देखते हैं ब्लड प्रेशर 80
T7 पर आ गया। फिर एक कॉन्फ्रेंस रूम में हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट की हेड रेबेका, डॉक्टर रेमंड और डॉक्टर एलन को देखते हैं। वो माइक के ही केस की डिस्कशन कर रहे थे क्योंकि जॉन एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा है और डेनिस एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस है, मतलब वो लोग गरीब और आम लोग है। लेकिन तभी वहाँ जॉन और डेनिस आते हैं, वो तीनों उनसे मिलते हैं। डॉक्टर रेमंड ही माइक का इलाज कर रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद रेमंड उन्हें एक्सरे में दिखाकर बताता है कि माइक का हार्ट जरूरत से ज्यादा बड़ा है, उसका हार्ट ब्लड पंप करने में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है लेकिन अब उसका हार्ट यूजलेस हो चुका है। अब उसे बचाने का एक ही रास्ता है, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा वरना वो मर जाएगा। ये सुनकर डेनिस रोने लगती है लेकिन रेबेका उनसे कहती है वो माइक को घर लेकर जाए, उसका मेडिसिन से इलाज करे और जितने दिन हो सके उसके साथ बिताए। वो ऐसा क्यों बोल रही है हमें कुछ देर बाद पता चलेगा। डेनिस को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि बचपन से माइक बिल्कुल ठीक था, उसे कभी कुछ नहीं हुआ ना ही उसके रेगुलर चेकअप में कुछ आया। लेकिन रेमंड कहता है वो ठीक दिख रहा था लेकिन अंदर ही अंदर उसका हार्ट खराब हो रहा था। अब उसे बहुत ज्यादा नींद आएगी, ज्यादातर समय वो सोता ही रहेगा, एक दिन वो सोएगा लेकिन जागेगा नहीं। रेबेका उन्हें समझाने की कोशिश करती है ये बहुत मुश्किल है लेकिन उन्हें एक्सेप्ट करना होगा, उनका बच्चा अब कुछ दिनों में ही मरने वाला है और उन्हें अपने बच्चे के साथ वक्त बिताना चाहिए क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट एक रिस्की ऑपरेशन है, माइक ऑपरेशन टेबल पर ही मर सकता है। जॉन अपने आंसू रोकते हुए पूछता है माइक के पास कितना समय है। रेमंड कहता है बस कुछ दिन। ये सुनकर दोनों बुरी तरह रोने लगते हैं क्योंकि 36 घंटों पहले तक उनका बेटा बिल्कुल ठीक था और अब वो कुछ दिनों में ही मरने वाला है। अब जॉन रेमंड से पूछता है माइक की जगह अगर उसका बेटा होता तो वो क्या करता। रेमंड कहता है वो हार्ट ट्रांसप्लांट करवाता, इसीलिए जॉन भी माइक का ट्रांसप्लांट करने कहता है। रेमंड उससे कहता है माइक बी पॉजिटिव है इसीलिए उसे डोनर जल्दी मिल जाएगा। लेकिन रेबेका इंटरप्ट करते हुए कहती है ये इतना आसान भी नहीं है, डोनर लिस्ट में माइक का नाम डालने से पहले उन्हें कुछ और चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। वो कहती है हार्ट ट्रांसप्लांट एक बहुत ही महंगी सर्जरी है। लेकिन जॉन कहता है उसके पास इंश्योरेंस है जिसमें माइक भी कवर है। लेकिन रेबेका कहती है उसने पहले ही उनकी फाइल चेक कर ली है, उसके इंश्योरेंस में ये कवर है ही नहीं। पहले तो जॉन को लगता है उनसे कोई मिस्टेक हुई है, फिर वो उनकी फाइल पढ़ती है। वो किराए से रहते हैं, उनका खुद का घर नहीं है ना ही उनका किसी स्टॉक या बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है और अभी उनके अकाउंट में सिर्फ $1,000 है। लेकिन जॉन बार बार कहता है उनके पास इंश्योरेंस है। लेकिन रेबेका कहती है वो उसकी इंश्योरेंस की फाइल फिर से चेक कर लेंगे लेकिन तब तक उन्हें माइक का इलाज कैश में करवाना होगा। ये सुनकर उन्हें थोड़ा शॉक लगता है। जॉन पूछता है ट्रांसप्लांट का खर्च कितना है, तब रेबेका बताती है हार्ट ट्रांसप्लांट का टोटल खर्च $2,50,000 है, साथ ही माइक का नाम डोनर लिस्ट में डालने के लिए उन्हें डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी पूरे 30%, मतलब लगभग $75,000। डेनिस कहती है ऊपर उनका बेटा मर रहा है और वो पैसों की बात कर रही है। लेकिन रेबेका कहती है ये सर्जरी उनके लिए भी महंगी होती है, अब वो उन्हें पहले डाउन पेमेंट करने कहती है तभी वो माइक का नाम डोनर लिस्ट में डलवाएगी। अब दोनों निराश होकर बाहर निकलते हैं तभी उनके पीछे डॉक्टर एलेन आती है। दरअसल दोनों माइक को यहाँ से दूसरे हॉस्पिटल ले जा रहे थे लेकिन डॉक्टर एलेन कहती है इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इस बीमारी के लिए सबसे बेस्ट हॉस्पिटल यही है, सब उन्हें यही रिकमेंड करेंगे। डेनिस पूछती है फिर अब उन्हें क्या करना चाहिए। डॉक्टर एलेन कहती है वो जाकर अपने इंश्योरेंस कंपनी से बात करे, जॉन जाकर अपने HR डिपार्टमेंट में बात करे, चिल्ड्रन स्टेट सर्विस में अप्लाई करे, लेकिन उन्हें किसी भी हालत में माइक को इसी हॉस्पिटल में रखना होगा। अब जॉन जाकर अपने HR डिपार्टमेंट में बात करता है। ऑफिसर बताता है कुछ दिन पहले उसका इंश्योरेंस PPO से HMO में चेंज कर दिया गया, PPO और HMO के बारे में हमें बाद में पता चलेगा। खैर वो ऑफिसर बताता है उसके जैसे पार्ट टाइम एम्प्लॉइज को सिर्फ सेकंड क्लास का इंश्योरेंस मिलता है लेकिन जॉन तो फुल टाइम था। लेकिन वो ऑफिसर कहता है उसे पेमेंट घंटों के हिसाब से काम करने पर मिलती है लेकिन वो परमानेंट नहीं है। अब उसके पास जो इंश्योरेंस कवर है उस इंश्योरेंस की मैक्सिमम लिमिट $20,000 की है। ये जानकर जॉन एकदम शॉक था क्योंकि उन लोगों ने ही उसे फुल टाइम से पार्ट टाइम किया, वो उससे हर महीने इंश्योरेंस का प्रीमियम लेते हैं और उन्होंने ही उसका इंश्योरेंस चेंज किया और अब उसके पास पॉलिसी होने के बाद भी वो बोल रहे हैं वो कुछ नहीं कर सकते, उसका बेटा बहुत बीमार है, अगर वो कवर नहीं हुआ तो उसे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन वो ऑफिसर अपने हाथ खड़े कर लेता है और जॉन को इंश्योरेंस कंपनी में अपील करने कहता है। अब जॉन HMO को लेकर इंश्योरेंस कंपनी में अपील करता है, फिर दोनों स्टेट सर्विस जाते हैं लेकिन दोनों में से कोई भी परमानेंट जॉब पर नहीं था इसीलिए स्टेट सर्विस वाले भी उनकी मदद नहीं करते। अब दोनों अपने बच्चे के लिए एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस चक्कर काटते हैं लेकिन उन्हें कहीं से मदद नहीं मिलती। एक ऑफिस में तो वो घंटों तक लाइन में लगे रहते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है वो गलत लाइन में लगे थे, उन्हें फिर से लंबी लाइन में लगना पड़ता है। अब एक दिन उसे
इंश्योरेंस कंपनी से लेटर आता है कि उसकी अपील अप्रूव हो गई। जॉन बहुत खुश होता है और उसे लेकर सीधा रेबेका के पास जाता है, लेकिन रेबेका बताती है उसकी अपील अप्रूव हुई है, क्लेम अप्रूव नहीं हुआ। उसने एग्जिस्टिंग बीमारी पर अपील कर दी थी, मतलब उसने गलत पेपर फाइल किए थे। अब उसे फिर से अपील करनी होगी जिसमें 30 दिन लगेंगे, लेकिन उसके पास 30 दिन का समय नहीं है। उसे किसी भी तरह अपने बेटे का नाम डोनर लिस्ट में डलवाना है। फिर रेबेका उसे बताती है उसके बैंक अकाउंट की ओवरड्राफ्ट लिमिट $30,000 की थी, जो उन्होंने यूज कर लिए, वो भी उसे बिना बताए। लेकिन जॉन कुछ नहीं कहता क्योंकि ये उसके बेटे के लिए था, लेकिन उसके पास इंश्योरेंस नहीं है, उसे जल्द ही कुछ करना होगा। अब जॉन निराश होकर वहाँ से चला जाता है। अब आगे क्या, वही जो हर किसी के साथ होगा। डेनिस अपने दोस्तों से पैसे लेती है, जिमी की वाइफ उसे अपनी टिप भी दे देती है। जॉन अपने घर का सामान बेचता है, चर्च में चंदा करता है, फिर घर में बैठकर सभी पैसों को काउंट करता है, लेकिन वो सिर्फ $4,135 होते हैं, क्योंकि गरीब लोग कितनी मदद कर पाएंगे। मूवी के ये सब सीन देखना और लिखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। माइक की थोड़ी हालत सुधरने पर जिमी और उसकी वाइफ उससे मिलने आते हैं। अब उसके सोने के बाद दोनों देखते हैं माइक के सामने ही एक लड़की एडमिट है और प्रीस्ट वहाँ आकर प्रेयर कर रहा है, मतलब वो लड़की बहुत जल्द मरने वाली है। तभी दोनों देखते हैं माइक का ब्लड प्रेशर और कम हो गया। अब जॉन अपने घर का बाकी सामान भी बेच रहा था, तब जिमी उसे एक फेमस रिपोर्टर के पास जाने कहता है। अगर उसने अपने टीवी शो पर माइक के बारे में बताया तो बहुत लोग उनकी मदद करने आ सकते हैं। अब यहाँ हमें लोगों की मेंटेलिटी भी पता चलती है कि लोग कितने मौका परस्त होते हैं। एक आदमी जॉन की मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी कलर टीवी को बस $20 में खरीदता है। अब शाम को जॉन और जिमी उस रिपोर्टर टक के पास जाकर उसे अपनी सारी सिचुएशन बताते हैं। जॉन कहता है हॉस्पिटल ने कहा है अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो अपने बच्चे को घर ले जाकर मरता हुआ देखे। रिपोर्टर टक उससे सिंपैथी दिखाता है, लेकिन उसकी मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि टीवी शो चलाने के लिए उसे अपने प्रोड्यूसर्स को जवाब देना पड़ता है। वो जॉन को काउंटर पर अपना नंबर लिखवा कर जाने कहता है। अब जॉन का घर पूरी तरह खाली हो गया था, उसने अपना लगभग सब कुछ बेच दिया है, फिर भी उसके पास सिर्फ $16,500 जमा हुए थे। इतना ही नहीं, जॉन अपनी वेडिंग रिंग भी सिर्फ $90 में बेच देता है। हॉस्पिटल आने पर उसे पता चलता है माइक का ब्लड प्रेशर 80 पर आ गया है, मतलब उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। अब आखिर में जॉन अपनी कार भी बेच देता है, तभी उसके घर का फोन बजता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल से डेनिस थी। डेनिस बहुत गुस्से में थी, वो बताती है ये लोग माइक को कल सुबह रिलीज करने वाले हैं। जॉन को समझ नहीं आता क्योंकि कल ही उसने हॉस्पिटल में $6,000 भरे हैं, लेकिन डेनिस उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है अभी अभी डॉक्टर बोलकर गए हैं, वो माइक को घर भेज रहे हैं। अब वो जॉन को चिल्लाकर बोलती है उसने हमेशा सब कुछ मैनेज किया है, लेकिन अब उसे कुछ करना होगा, उसे अपने बच्चे के लिए कुछ तो करना ही होगा। ये जानकर जॉन को शॉक लगता है। वो कुछ देर जाकर माइक के कमरे में बैठता है। अब जॉन वहाँ से एक इमरजेंसी वार्ड में आता है। वहाँ रेमंड एक अमीर आदमी से हंसी मजाक करते हुए बात कर रहा था। उस आदमी का भी हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला है, लेकिन उसके लिए रेमंड का एटीट्यूड ही अलग था। तभी वहाँ जॉन आता है और रेमंड को अकेले में बात करने कहता है। दरअसल माइक को घर भेजने का फैसला उसका ही था, लेकिन रेमंड कहता है ये उसका नहीं हॉस्पिटल मैनेजमेंट का फैसला है। जॉन ने कुछ रिसर्च की थी, दरअसल उनका हॉस्पिटल पर ईयर 300 सर्जरी करता है। एक सर्जरी की फीस $2,50,000 है, तो इसका मतलब ये हॉस्पिटल एक साल में $75 मिलियन की सिर्फ हार्ट सर्जरी करता है, और वो इंसानियत के लिए सिर्फ एक सर्जरी नहीं कर सकते। रेमंड कहता है वो माइक की सर्जरी के लिए अपनी फीस नहीं लेगा, लेकिन जॉन उसे फ्री में सर्जरी करने नहीं बोल रहा था, वो बस उससे एक चांस मांग रहा था। वो कसम खाता है वो हॉस्पिटल का एक एक पैसा वापस करेगा, बस वो उसके बच्चे को बचा ले। लेकिन रेमंड कहता है वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब जॉन रिक्वेस्ट नहीं करता, उसे पकड़कर अंदर लाता है। उसके पास गन थी, गन देखकर रेमंड की फट जाती है। अब जॉन के पास ये करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सबसे पहले जॉन अपने बैग से चैन निकालकर उस दरवाजे को लॉक करता है, फिर रेमंड को अंदर लेकर आता है। सामने ही एक मोटा गार्ड था, जॉन उस पर गन पॉइंट करके उससे उसकी गन मांगता है, लेकिन उसके पास गन नहीं थी। अब उसे लेकर जॉन अंदर आता है और उस दरवाजे को भी लॉक करता है। अंदर उसे डॉक्टर एलन मिलती है, लेकिन जॉन उसकी कोई बात नहीं सुनता। उसके हाथ में गन देखकर सब बाहर भागने लगते हैं। वह एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर बाहर भाग रहा था, लेकिन जॉन दरवाजे पर आ जाता है। अब अंदर बस कुछ ही लोग थे। जॉन उस दरवाजे को भी लॉक कर देता है। ये दरवाजा रोड के ठीक सामने खुलता है। वह लेस्टर नाम का एक आदमी था, उसकी उंगलियों पर चोट लगी थी। रेमंड जॉन
जॉन से ये सब रोकने बोल रहा था क्योंकि इन सब से कोई फायदा नहीं होगा। अब जॉन उसे ही लेस्टर का ट्रीटमेंट करने कहता है। रेमंड उठ नहीं रहा था तब वहाँ का एक जूनियर डॉक्टर स्टीव लेस्टर का ट्रीटमेंट करता है, लेकिन उसके अलावा वहाँ एक कपल था, वो औरत प्रेग्नेंट थी। एक और लेडी थी जिसके पास एक बच्चा है, लेकिन उसकी भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी। अब जॉन कहता है यहाँ सभी को फ्री में इलाज मिलेगा। अब जॉन उस गार्ड मैक्स और रेमंड के साथ जाकर वहाँ की लिफ्ट का पावर ऑफ कर देता है, साथ ही वहाँ लगे कैमरास को तोड़ने लगता है। तब सीसीटीवी ऑपरेटर को दिखाई देता है कोई कैमरा तोड़ रहा है, वो तुरंत किसी को कॉल करता है। वही इमरजेंसी वार्ड में जॉन ने सब संभाला हुआ था, तभी वहाँ का फोन बजता है। दूसरी तरफ एक लेडी थी, वो वहाँ का डायरेक्शन पूछ रही थी, लेकिन जॉन कहता है ये इमरजेंसी वार्ड रिपेयर के लिए बंद है। साथ ही उस लेडी को दूसरे हॉस्पिटल के एड्रेस का डायरेक्शन भी बताता है। तब उसे दिखाई देता है रिसेप्शनिस्ट टेबल के नीचे छुपी है, वो बहुत ज्यादा डर रही थी। जॉन उसे बाहर बैठने कहता है। अब उस कपल में झगड़ा होने लगता है, साथ ही वहाँ बैठा एक रईस लड़का मिज भी जॉन को परेशान कर रहा था। साथ ही वो लेडी क्या बोल रही थी किसी को समझ नहीं आ रहा था। इन सबसे जॉन परेशान हो गया था। अब कुछ देर बाद ही वहाँ एक एम्बुलेंस आती है, वो किसी आदमी को लेकर आए थे जिसे गोली लगी है। जॉन सभी को दूसरे रूम में भेजता है। जॉन स्टीव के साथ दरवाजे के पास जाकर उन्हें दूसरे हॉस्पिटल जाने कहता है, लेकिन उस आदमी का बहुत खून बह गया था। जॉन स्टीव से पूछता है, वो बताता है ये दोनों रेगुलर यहाँ आते हैं। अब जॉन स्टीव से दरवाजा खुलवाता है और उन दोनों को गन दिखाकर यहाँ से भागने कहता है। दोनों उस आदमी को अंदर लेकर आते हैं, उसे पेट में गोली लगी थी। स्टीव और एलेन उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर आते हैं। जॉन रेमंड को उसका ऑपरेशन करने कहता है, लेकिन रेमंड कार्डियक सर्जन है, वो उसका ऑपरेशन करने से मना कर रहा था, लेकिन जॉन के धमकाने पर मान जाता है। तभी जॉन को हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। बाहर देखने पर दिखाई देता है पुलिस इमरजेंसी वार्ड को घेर रही है, लेकिन जॉन इन सब के लिए पहले से तैयार था। वहाँ हॉस्टेज निगोशिएटर फ्रैंक पहुंचकर एचबीटी सर्विस के सार्जेंट मूडी से मिलता है। मूडी को पता चलता है जॉन ने अपने साथ सभी को अंदर लॉक कर लिया है, साथ ही उसने लिफ्ट का पावर भी कट कर दिया है। उन्हें लग रहा था जॉन सबको मारना शुरू कर देगा। वहाँ हॉस्पिटल का सीसीटीवी गार्ड भी था। फ्रैंक मूडी से अंदर बात करने किसी फोन से लाइन कनेक्ट करने कहता है। वो गार्ड कहता है अंदर एक गार्ड के पास वॉकी टॉकी है, इस जगह के इंचार्ज, और आज सैटरडे होने की वजह से स्टाफ भी बहुत कम है। फ्रैंक कहता है तो क्या हुआ, लोग सैटरडे को भी बीमार पड़ते हैं। जॉन बाहर का नजारा देख रहा था। अंदर आने पर पता चलता है उस प्रेग्नेंट लेडी की तकलीफ बढ़ती जा रही थी, इसीलिए एलेन उसे एग्जामिनेशन रूम में लेकर जाती है। तब वहाँ बैठा रईस ज्यादा मिच जॉन से कहता है उसकी गर्लफ्रेंड के हाथ पर चोट लगी है, उनका एक एक्सीडेंट हो गया था। तभी गार्ड मैक्स का वॉकी टॉकी बजता है। अब जॉन फ्रैंक से बात करता है, दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। फिर फ्रैंक जॉन से उसकी डिमांड पूछता है। जॉन कहता है वो रेबेका को ढूंढे और उससे कहे उसके बेटे का नाम डोनर लिस्ट में डाले। अब बच्चे को लेकर फ्रैंक जॉन को इमोशनल करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसकी बातों में नहीं आता। वो फ्रैंक से अपनी डिमांड पूरी करने कहता है, वरना वो सबको मारना शुरू कर देगा। फ्रैंक जॉन को उस पर भरोसा करने कहता है। अब कुछ देर बाद वो आदमी परेशान हो रहा था क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। एलन उसे शांत रहने कहती है। वो जॉन को बताता है ये उसका पहला बच्चा है, लड़का हो या लड़की बस हेल्दी होना चाहिए। जॉन इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। फिर जॉन मिच से पूछता है कार कौन चला रहा था। मिच बताता है कार वही चला रहा था। जॉन पूछता है तो सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड को चोट कैसे आई। तब मिच अपने हाथ की चोट दिखाता है, लेकिन उसकी चोट देखकर लेस्टर हंसने लगता है क्योंकि वो किसी के नोचने के निशान थे, एक्सीडेंट के नहीं। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है मिच का एयर बैग खुल गया था, लेकिन उसके साइड का नहीं। जॉन पूछता है उसके पास कार कौन सी है। वो बताता है मर्सिडीज 500 1986 की क्लासिक मॉडल। तब जॉन कहता है 1988 के पहले मर्सिडीज पैसेंजर साइड पर एयर बैग लगाती ही नहीं थी, इसका मतलब सब समझ गए थे उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है। तब वो शर्मिंदा होकर कहता है उसने पी रखी थी। जॉन उसे सिगरेट पीने से भी रोकता है। अब सभी को भूख प्यास लग रही थी, साथ ही रेमंड ने उस आदमी की जान भी बचा ली थी। वही दूसरी तरफ डेनिस हॉस्पिटल में माइक के साथ थी। फिर वहाँ एक डॉक्टर आकर उसे कुछ इंजेक्शन लगाता है, फिर माइक से प्यार से बात करते हुए उसे बॉडी बिल्डर टॉय देता है। यह डायरेक्टर बताने की कोशिश कर रहे थे कि हर डॉक्टर एक जैसा नहीं होता, हर डॉक्टर पैसे के पीछे नहीं भागता, कुछ डॉक्टर अपना फर्ज भी निभाते हैं। उसके जाने पर डेनिस को दिखाई देता है सामने एडमिट लड़की मर चुकी है, उसकी माँ बुरी तरह रो रही थी, उसे संभालना भी मुश्किल हो रहा था। तभी माइक पूछता है उसके डैड कहाँ है। डेनिस कहती है वो बस आने ही वाले है। वही इमरजेंसी वार्ड में मिच जॉन पर हमला करने की सोच रहा था, उसके पास सर्जरी टूल और कोई स्प्रे था। दरअसल उसे लग रहा था पुलिस उसकी डिमांड कभी पूरी नहीं करने वाली, और जब ये बात जॉन को पता चलेगी वो सभी को मार देगा। वही बाहर पुलिस चीफ गस आता है, वो एक पुलिस वाले से ज्यादा सेलिब्रिटी लग रहा था।
लोग उससे हाथ मिला रहे थे। वो पहले जाकर मीडिया में इंटरव्यू देता है और बाद में जाकर फ्रैंक से बात करता है। फ्रैंक उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। फिलहाल सब उसके कंट्रोल में है और वो गस को जाकर टीवी पर इंटरव्यू देने कहता है। फिर गस जाकर दूसरे पुलिस वालों के सामने फ्रैंक का मजाक उड़ाता है। वही अंदर अब सभी काफी कंफर्टेबल हो गए थे। सब मिलकर स्नैक्स खाते हैं। जॉन को समझ नहीं आ रहा था डॉक्टर्स को उसके बेटे के बीमारी के बारे में पहले कैसे पता नहीं चला, क्योंकि जब से वो पैदा हुआ है हर साल उसका मेडिकल चेकअप होता है। तब रेमंड कहता है शायद उसका चेकअप ठीक से नहीं हुआ। जॉन को ये समझ नहीं आता। तब स्टीव उसे एचएमओ के बारे में बताता है, क्योंकि जॉन के पास भी एचएमओ कैटेगरी का इंश्योरेंस है। एचएमओ कैटेगरी में इंश्योरेंस कंपनी टेस्ट के पैसे नहीं देती बल्कि डॉक्टर्स को पैसे देती है ताकि वो इंश्योरेंस होल्डर का टेस्ट ठीक से ना करे, टेस्ट हमेशा क्लियर आए। डॉक्टर अपना मुंह बंद रखते हैं और क्रिसमस में इंश्योरेंस कंपनी डॉक्टर्स को गिफ्ट के रूप में एक मोटी रकम भेजती है। जॉन और बाकी लोग ये जानकर काफी शॉक थे और रेमंड भी इस बात से इनकार नहीं कर पाता। इसका मतलब ये था जॉन के बेटे की इस कंडीशन का जिम्मेदार कहीं ना कहीं डॉक्टर्स ही है। अगर वो उसका ठीक तरह से चेकअप करते तो आज उसकी ऐसी हालत नहीं होती। लेस्टर रेमंड को व्हाइट कॉलर लुटेरे कहता है। सब समझ गए थे डॉक्टर्स के लिए उनकी कसम कोई मायने नहीं रखती कि वो लोगों की जान बचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ स्टीव भी रेमंड पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि जब भी यहाँ किसी एक्सीडेंट पेशेंट को लाया जाता है और अगर उसके पास पैसे नहीं है तो मैनेजमेंट उसे मरने देता है। रेमंड इस बात को नहीं मानता, लेकिन स्टीव स्ट्रॉन्गली कहता है यहाँ ऐसे ही काम होता है। रेमंड मानता है हाँ वो लोग कमीने हैं, लोगों का खून चूसने वाले वैम्पायर्स हैं, लेकिन फिलहाल गन किसके पास है? जॉन के पास। फिर जॉन वहाँ से कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल बाहर पुलिस से कनेक्ट होता है। फ्रैंक जॉन से कहता है अब वो जहाँ भी फोन करेगा उसका कॉल पुलिस से ही कनेक्ट होगा। जॉन पूछता है उसके बेटे का नाम डोनर लिस्ट में गया या नहीं। फ्रैंक कहता है उस पर काम हो रहा है। फिर फ्रैंक हॉस्टेजेस के बारे में पूछता है, फिलहाल सभी ठीक थे। तब फ्रैंक जॉन से कुछ हॉस्टेजेस को छोड़ने कहता है, लेकिन जॉन पहले माइक का नाम डोनर लिस्ट में डलवाने बोल रहा था। इस बीच फ्रैंक देखता है पुलिस ने अपने सिस्टम को इमरजेंसी वार्ड के कैमरा से कनेक्ट कर लिया है और अब वो जॉन को देख पा रहे थे। तभी जॉन को एलेन बताती है उन्हें जल्दी ही उस प्रेग्नेंट लेडी को डिलीवरी वार्ड में भेजना होगा। फ्रैंक फोन पर ही था। वही बाहर रेबेका भी आ चुकी थी। वो जॉन को पहचान लेती है क्योंकि उसका बेटा उनके ही दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट है। फ्रैंक तुरंत जॉन की वाइफ से बात करने किसी को भेजता है। तभी जॉन कहता है वो कुछ हॉस्टेजेस को छोड़ रहा है। अभी 4:15 हो रहे थे और 5:15 मतलब 1 घंटे में उसके बेटे का नाम डोनर लिस्ट में होना चाहिए, वरना वो लोगों को मारना शुरू कर देगा। अब जॉन उस प्रेग्नेंट लेडी और उस बच्चे के साथ आई लेडी को छोड़ रहा था। तब वो लेडी जॉन से अपने हस्बैंड को भी बाहर भेजने कहती है। उसका हस्बैंड उसे संभाल रहा था, लेकिन तब मिच कहता है वो बाहर जाएगा। अब इस बात को लेकर मिच और उसमें बहस हो जाती है, लेकिन जॉन के उनके पास आने पर मिच जॉन की आंखों में स्प्रे डालकर उस पर स्कैपलर से हमला कर देता है। जॉन अपना सिर मारकर उसकी नाक फोड़ देता है। अब यह दोनों गन लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि गन थोड़ी दूर गिर गई थी। मिच अपनी गर्लफ्रेंड को गन उठाकर देने कहता है, लेकिन वो गन की जगह स्प्रे उठाकर उसकी ही आंखों में डाल देती है। तब तक जॉन उठकर गन उठा लेता है। अब मिच की गर्लफ्रेंड उस पर हाथ उठाने के लिए उसे खूब मारती है और आखिर में उसके टांगों के बीच लात मारती है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। अब जॉन मैक्स से हथकड़ी लेता है और मिच को साइड में लॉक कर देता है। अब जॉन उन्हें लेकर दरवाजे के पास आता है, फिर बाहर सफेद कपड़ा लहराकर बताता है वो हॉस्टेजेस को छोड़ रहा है। जॉन उन दोनों के साथ उस प्रेग्नेंट लेडी के हस्बैंड को भी छोड़ देता है। बाहर आते ही पुलिस उन्हें दूर ले जाती है। वहाँ टक मतलब वो रिपोर्टर भी था जिसने जॉन की मदद करने से इनकार कर दिया था। वहाँ की बाकी मीडिया उन तीनों से जॉन के बारे में पूछ रही थी। वो कपल कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है और वो लेडी कहती है जॉन एक बहुत अच्छा आदमी है। यहाँ हम रिपोर्टर्स को उनका एक बयान लेने के लिए एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करते हुए देखते है कि कौन सबसे पहले अपने चैनल पर ये खबर दिखाएगा। वही टक पुलिस को देखकर समझ जाता है वो लोग कैमरा से अंदर नजर रख रहे हैं। वो अपने टेक्नीशियन को बुलाता है क्योंकि उसे भी उन कैमरास की फुटेज चाहिए। उन्हें लोगों की जान या जॉन के बेटे की कुछ पड़ी नहीं थी, बस उनके चैनल की टीआरपी बढ़नी चाहिए। वही दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स रेबेका से बात कर रहे थे। वो कहती है अगर उन्होंने जॉन की बात मान ली तो अगले दिन से हर कोई इलाज कराने गन लेकर हॉस्पिटल में घुस जाएगा। और क्या देश में सिर्फ जॉन का ही बेटा बीमार है? लोग बीमार होते हैं और मरते हैं, यही सच्चाई है और उसे रोज ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन गस कहता है उसने जॉन के बेटे की मदद करने से मना किया, इसीलिए उसने लोगों को हॉस्टेज बनाया है। रेबेका कहती है इस देश में 50 मिलियन लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है, अगर उसे इस सिस्टम को बदलना है तो जाकर अपने पॉलिटिशियंस को कहे। तब सार्जेंट मूडी कहता है क्यों ना वो जॉन से झूठ कहे, उसके बेटे का नाम डोनर लिस्ट में डाल दिया गया है
उसे इस झूठ के बारे में कहीं से पता नहीं चलेगा। तभी उसे पुलिस वाले आवाज देते हैं। दरअसल पुलिस ने उस बिल्डिंग के इंजीनियर को बुला लिया था। वो बताता है इमरजेंसी वार्ड में एक डक जाता है और उस डक के ठीक सामने एक फोन रखा है। पुलिस अंदर देखती है, वहाँ काउंटर पर एक फोन रखा है। वही अंदर सभी न्यूज देख रहे थे। मिच कहता है इस देश में कहीं भी जाओ तुम्हारे साथ लूटपाट हो सकती है। क्लासमेट एक दूसरे को मार रहे हैं, मर्डर्स और रेप हो रहे हैं। रेमंड उसे पसंद नहीं करता था लेकिन वो मिच की बात से सहमत था। मिच जॉन से कहता है वो उसके बेटे और उसकी हालत समझता है लेकिन उसकी भी जिंदगी है और अगर सबसे पहला अवेलेबल हार्ट उसके बेटे को नहीं लगा तो वो क्या करेगा, वो सबको मार देगा जैसा उसने पुलिस वालों से कहा है, उसकी अगली चाल क्या होगी। तब जॉन कहता है उसके पास कोई चाल नहीं है, उसने कुछ नहीं सोचा कि वो आगे क्या करेगा, वो तो बस ईश्वर के करिश्मे का इंतजार कर रहा है। तब हमें वो एक्सीडेंट फिर से दिखाया जाता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। वही दूसरी तरफ रेबेका और फ्रैंक डेनिस के पास आते हैं। अब इन सबका जिम्मेदार डेनिस खुद को समझ रही थी क्योंकि उसी ने जॉन पर चिल्लाकर उसे कुछ करने कहा था। फिर फ्रैंक डेनिस से जॉन के बारे में पूछता है जैसे उसने पहले कभी झगड़ा किया हो या मिलिट्री में रहा हो। डेनिस समझ जाती है वो उससे जॉन के बारे में इसीलिए पूछ रहा है ताकि उसे जॉन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। वो जॉन के बारे में कुछ नहीं बताती, वो हर हालात में उसका साथ देगी। रेबेका उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन डेनिस को उससे कोई बात नहीं करनी थी। लेकिन तब रेबेका कहती है उसने फैसला किया है, वो माइक का नाम डोनर लिस्ट में डलवाने वाली है और उसकी सर्जरी का सारा खर्च भी हॉस्पिटल उठाएगा। डेनिस को पहले यकीन नहीं होता लेकिन रेबेका उसे यकीन दिलाती है वो सच बोल रही है। तब डेनिस उसे पकड़ कर रोने लगती है। वापस जाते समय फ्रैंक रेबेका की एक्टिंग की तारीफ करता है क्योंकि थोड़ी देर के लिए उसे भी लगा जैसे वो सच बोल रही है और उसे माइक की परवाह है। अब इमरजेंसी वार्ड के बाहर लोगों की भीड़ लग चुकी थी, वहाँ शॉट टीम भी आ चुकी है। तब जॉन के दोस्त जिमी का इंटरव्यू ले रहा था। जिमी कहता है जॉन ऐसा कभी नहीं करता, अगर वो एक मिलियनेयर होता लोग अपने आप को कितना भी एडवांस कह ले लेकिन हर जगह एक और तबका है जैसे व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर और नो कॉलर, और ये सब एक साथ रहते हुए भी अलग अलग दुनिया में रहते हैं। हर किसी के लिए कानून तो एक ही है लेकिन रूल्स अलग है। हर किसी को उनके हैसियत के हिसाब से ट्रीटमेंट और सहूलत मिलती है और गरीबों की किसे पड़ी है, गरीब हमेशा से पिसता आया है। ये सब बोलकर जिमी रोने लगता है। वही अंदर भी सब लोग ये देख रहे थे। जॉन भी उसे देखकर इमोशनल था। अब 5:10 बाकी थे। वही दूसरी तरफ एक्सीडेंट स्पॉट पर उस लड़की को लेने हेलीकॉप्टर आता है लेकिन उस लड़की की मौत हो चुकी थी। इस तरफ जब फ्रैंक इमरजेंसी वार्ड के पास आता है वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं था। मूडी उसे बताता है उन्होंने उस एयर डक से जॉन को मारने का प्लान बनाया है। फ्रैंक तुरंत ही बेसमेंट में आता है जहाँ गस पुलिस ऑफिसर्स के साथ हंसी मजाक कर रहा था। अब यहाँ गस और फ्रैंक के बीच बहस होती है। गस को बस अपने रेपुटेशन की पड़ी है कि अगर उसके कैप्टन होते हुए जॉन ने किसी हॉस्टेज को मार दिया तो उसकी बदनामी हो जाएगी। फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि जॉन किसी को नहीं मारने वाला लेकिन गस उसकी बात नहीं मानता। वो जॉन को मारने डेनिस का इस्तेमाल करने वाला है। वो डेनिस से उस लाल फोन पर कॉल करवाएगा। तब तक यहाँ से एक ऑफिसर डक के रास्ते इमरजेंसी रूम तक पहुँच चुका होगा। निशाना मिलते ही ऑफिसर उसे शूट कर देगा। यहाँ तक कि उसे हॉस्टेजेस की भी कोई परवाह नहीं थी। अब वो लोग डक का फैन बंद कर देते हैं और उसमें एक ऑफिसर जाता है। वही बाहर टक ने एक डॉक्टर से कुछ पता कर लिया था। वो दौड़ता हुआ अपनी वैन के पास आता है। उसका टेक्नीशियन पुलिस के सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल उसे डॉक्टर ने बताया है पुलिस जॉन और उसकी वाइफ डेनिस की फोन पर बात करने वाली है। वही डक से होते हुए ऑफिसर इमरजेंसी वार्ड तक पहुंच रहा था। वही अंदर सब एक साथ बैठे हुए थे तभी वहां का फोन बजता है। जॉन देखता है सामने का लाल फोन बज रहा है। जॉन जाकर उसे उठा लेता है। उसे लग रहा था फ्रैंक ने कॉल किया है लेकिन कॉल की दूसरी तरफ डेनिस थी। वो बताती है अब माइक का नाम डोनर लिस्ट में डाल दिया गया है। ये सुनकर जॉन बहुत खुश होता है और फोन हाथ में लेकर बात करने लगता है लेकिन उसे पता नहीं था वो पुलिस के निशाने पर आ चुका है। वही बाहर टक के टेक्नीशियन ने पुलिस के सिस्टम को हैक कर लिया था। वो जॉन और डेनिस की बातें सुन पा रहे थे लेकिन टक उसे जल्दी से जल्दी कैमरास भी हैक करने कहता है। जॉन माइक के बारे में पूछता है लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वो कहती है शायद उनका बेटा बचेगा नहीं, उसने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया लेकिन उनके बेटे की हालत बिगड़ती जा रही है। फिर डेनिस बुरी तरह रोने लगती है लेकिन उन्हें पता नहीं था टक अपने चैनल पर उनकी बातें लाइव सुना रहा है जिसे अंदर बैठे सब लोग भी सुन रहे थे। वही ऊपर वो ऑफिसर डक से होते हुए इमरजेंसी वार्ड तक पहुंच गया था। जॉन डेनिस को शांत करने की कोशिश कर रहा था। अब जॉन उसे माइक से बात कराने कहता है। वही बाहर उस टेक्नीशियन ने कैमरास को भी हैक कर लिया था। अब तक जल्दी से तैयार
तैयार होता है और ऑडियंस को बताता है वो बाप बेटे की बातचीत फुटेज के साथ उन्हें दिखाने वाला है। अब जॉन माइक से बात करता है। जॉन भी अपने आंसू रोक कर उससे बात कर रहा था। माइक अपने डैड को अपने पास बुला रहा था और उन दोनों की बातें पूरी दुनिया टीवी पर देख और सुन पा रही थी, जिनमें से एक रेबेका भी थी। जॉन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे नया और स्ट्रॉन्ग हार्ट लगाया जाने वाला है, लेकिन वो ऑफिसर डक से होता हुआ इमरजेंसी वार्ड तक पहुंच गया था और जॉन उसके निशाने पर था। तब माइक उससे पूछता है क्या वो मरने वाला है। ये सुनकर जॉन अपने आप को संभालते हुए उसे जवाब देने की कोशिश कर रहा था। यहाँ हमें मीडिया की एक और सच्चाई दिखाई जाती है। दरअसल ये सब देखकर टक हंस रहा था क्योंकि अब इस रिपोर्ट के बाद उसका करियर स्काई रॉकेट की तरह दौड़ेगा। अब जॉन पर निशाना लगाए वो ऑफिसर ऑर्डर का वेट कर रहा था। बाप बेटे की बातें सुनकर रेबेका भी रो देती है, लेकिन बाहर से गस जॉन को शूट करने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन उन्हें पता नहीं था टीवी पर सारी दुनिया जॉन को ही देख रही है। अब बात करते हुए जॉन निशाने से थोड़ा आगे चला जाता है। तब जॉन किसी तरह माइक से बात करके फोन रख रहा था, तभी लेस्टर को वो ऑफिसर दिख जाता है। वो तुरंत जॉन को बताने भागता है, लेकिन वो ऑफिसर जॉन को शूट कर देता है, लेकिन बुलेट उसके हाथ से आर पार हो जाती है। जॉन नीचे बैठ जाता है और वो ऑफिसर हंस रहा था। गस और बाकी सभी को लगता है जॉन मारा गया, तभी डक टूटने से वो ऑफिसर अटक जाता है। तब गस और बाकी सभी लोग देखते हैं जॉन उठकर उस ऑफिसर को नीचे गिराता है और उसे मारने लगता है, मतलब गस का प्लान फेल हो गया। तब उसे मेयर का फोन आता है क्योंकि ये सब टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ उस लड़की की डेड बॉडी को हॉस्पिटल के लिए भेज दिया जाता है। अंदर लेस्टर उस ऑफिसर को बांध देता है। जॉन को लग रहा था अब उसका बेटा बचेगा नहीं क्योंकि उन्होंने उसे शूट करवाया, वो बाकी सबको भी गोली मार सकते हैं, वो लोग उसके बेटे की मदद नहीं करेंगे। बाहर पुलिस वाले टक को वहां से जबरदस्ती बाहर भेज रहे थे। अब थोड़ी देर बाद जॉन दरवाजे के पास आता है। उसे देखते ही लोग उसे चेयर करने लगते हैं। पुलिस वालों ने उस पर गन तान रखी थी, लेकिन किसी को भी देखकर ये नहीं लग रहा था वो जॉन को गोली मारना चाहते हैं। जॉन फ्रैंक को बुलाता है। फ्रैंक एक कोने में खड़ा था। अब गस जाकर उससे रिक्वेस्ट करता है वो जाकर जॉन से बात करे। उसने मान लिया था उसने सब गड़बड़ कर दी है और अब फ्रैंक ही है जो उसे बचा सकता है। फ्रैंक जॉन से बात करने मान जाता है। वही दूसरी तरफ रेबेका सच में माइक की मेडिकल इन्फॉर्मेशन हर तरफ फैक्स कर रही थी ताकि उन्हें जल्दी से हार्ट मिल सके। अब फ्रैंक जॉन से बात करने आता है और सभी को शूट करने से मना करता है। अब जॉन उस ऑफिसर की पैंट उतार कर बाहर लाता है। सभी उसे देखकर हंस रहे थे। जॉन फ्रैंक से कहता है उसके बोलने पर उसने 3 हॉस्टेजेस को छोड़ दिया था, फिर भी फ्रैंक ने उसे मरवाने की कोशिश की। फ्रैंक उसे समझाता है उसे शूट करवाने का फैसला उसका नहीं था। तब जॉन उस ऑफिसर की गन वहां फेंकता है। फ्रैंक कहता है इन सब का अंत ऐसा ही होगा, या तो वो जेल जाएगा या मारा जाएगा। लेकिन जॉन को खुद की कोई परवाह नहीं थी, उसे बस अपने बेटे की फिक्र है। साथ ही वो कहता है वो अपने बेटे को दफनाने नहीं वाला बल्कि उसका बेटा उसे दफनाएगा। या फ्रैंक बहुत ही कड़वी लेकिन सच बात बोलता है। वो जॉन से कहता है उसे क्या लग रहा है यहाँ मौजूद सभी लोगों को उसकी परवाह है नहीं, बल्कि वो बस इस वक्त और तमाशे का मजा लेने आए हैं। कुछ समय बाद ये सब उसे भूल भी जाएंगे। लोगों को किसी की परवाह नहीं है, बात सिर्फ उनके और जॉन के बीच है। फ्रैंक आगे पूछता है अब उसे क्या चाहिए। तब जॉन कहता है वो उसके बेटे माइक को यहाँ लेकर आए, उसे अपना बेटा इमरजेंसी वार्ड में चाहिए। पहले तो गस मना करता है, लेकिन जब वो उसके बेटे को यहाँ लाएंगे तभी वो उनके ऑफिसर को छोड़ेगा और गिव अप कर देगा और सब अपने अपने घर जाएंगे। इतना बोलकर वो अंदर चला जाता है। अब मूडी और गस फ्रैंक से पूछते हैं आगे क्या करना चाहिए। फ्रैंक फैसला करता है वो जॉन की बात मान लेंगे। अब कुछ समय बाद माइक को लाया जाता है, लेकिन पुलिस डेनिस को अंदर जाने नहीं देती। स्टीव और एलन माइक को अंदर ले जाते हैं। अंदर रेमंड कहता है माइक का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया है, अब उसका बचना बहुत मुश्किल है, उसे तुरंत ही हार्ट की जरूरत है। जॉन इस बात को समझ रहा था, इसीलिए वो रेमंड से कहता है वो माइक को उसका हार्ट लगा दे। पहले तो रेमंड को ये समझ नहीं आता, लेकिन जॉन फिर से कहता है वो माइक को उसका हार्ट लगा दे, इसीलिए तो उसने माइक को यहाँ बुलवाया है। ये सुनकर सभी बहुत ज्यादा हैरान थे। एलन उसे समझाने की कोशिश करती है ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन जॉन कहता है वो खुद को गोली मार लेगा। तब वो उसका हार्ट निकाल कर उसके बेटे को लगा दे। रेमंड उसे समझाने की कोशिश करता है वो बस ऐसे ही हार्ट निकाल कर दूसरे बॉडी में नहीं लगा सकते। हार्ट ट्रांसप्लांट के पहले बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे ब्लड टाइप, चेस्ट का साइज, दोनों के ब्लड टिश्यू। लेकिन जॉन कहता है उन दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है। माइक का हार्ट बचपन से ही बड़े साइज का था, तो उसका हार्ट तो उसे आसानी से फिट हो जाएगा, और वो उसका बाप है तो ब्लड टिश्यूज भी मैच होंगे। लेकिन फिर भी रेमंड मान नहीं रहा था क्योंकि ये बहुत रिस्की था। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है अगर उसने खुद को शूट कर लिया तो क्या वो दोनों को मरने देगा जबकि वो एक की जान बचा सकता है। तब आधे लोग उसके
सपोर्ट में आ जाते हैं। लेकिन स्टीव कहता है उसकी वाइफ का क्या होगा, लेकिन जॉन कहता है उसका बेटा बहुत छोटा है और उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बेटे को बचाए। उसकी वाइफ भी यही करती। लेस्टर जॉन को समझाने की कोशिश करता है, कभी कभी हमें हालात को एक्सेप्ट करके ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन जॉन एक्सेप्ट करने तैयार नहीं होता कि उसका बेटा मरने वाला है। जॉन रेमंड से रिक्वेस्ट करता है वो उसकी बात मान ले, लेकिन रेमंड कहता है ये लाइन क्रॉस करना हुआ और वैसे भी ये अनएथिकल है। लेकिन जॉन कहता है पूरा सिस्टम रोज लाइन क्रॉस करता है। अब जॉन गन निकाल लेता है, लेकिन अब रेमंड नहीं डरता क्योंकि उसे पता है जॉन किसी को नहीं मार सकता, जो कि बिल्कुल सच है, लेकिन वो खुद को मार सकता है। वो कहता है उन्हें डोनर चाहिए तो डोनर वो खुद बनेगा। अब जॉन को देखकर रेमंड समझ जाता है जॉन खुद को शूट कर लेगा, इसीलिए वो जॉन का हार्ट माइक को लगाने तैयार हो जाता है। एलन उसे समझाने की कोशिश करती है वो एक बहुत ही अच्छा सर्जन है, लेकिन अगर उसने ये कर दिया तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। स्टीव भी उसे समझाने की कोशिश कर रहा था इस सर्जरी के बाद रेमंड खत्म हो जाएगा, लेकिन अब रेमंड को कोई परवाह नहीं थी क्योंकि ये हॉस्पिटल है और अगर हार्ट अवेलेबल है और वो किसी की जान बचा सकता है तो वो हार्ट को वेस्ट नहीं करेगा। दूसरी तरफ उस लड़की की डेड बॉडी को हॉस्पिटल में लाया जाता है और पोस्टमार्टम करके उसका हार्ट निकाला जाता है। फिर वहाँ एक आदमी आता है और उस लड़की के ऑर्गन्स की डिटेल लेता है। उसके सभी ऑर्गन्स के साथ हार्ट भी बिल्कुल ठीक था और उसका ब्लड टाइप भी बी पॉजिटिव है। इस तरफ जॉन अपनी विल लिखता है कि वो अपना हार्ट अपने बेटे के नाम कर रहा है और उसे दो विटनेस के साइन चाहिए। कोई भी साइन करने तैयार नहीं होता। जॉन मिच से कहता है अगर उसने साइन किया तो वो उसे अभी छोड़ देगा, लेकिन फिर भी वो साइन नहीं करता। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड और मैक्स साइन करने तैयार हो जाते हैं। यहाँ जॉन एक मजाक करता है कि अगर मिच का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव हुआ तो वो अपना हार्ट नहीं देगा। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। फिर जॉन सबसे गुड बाय बोलकर अंदर चला जाता है। अब जॉन माइक से कुछ देर बात करने जाता है। माइक थोड़ा होश में था। वो जॉन से पूछता है क्या उसने नया हार्ट ढूंढ लिया है। जॉन कहता है हाँ उसने ढूंढ लिया है, वो हार्ट एक एंजल उन्हें देकर गया है। फिर जॉन उसे कुछ बातें हमेशा याद रखने कहता है। पहली कि वो हमेशा अपनी माँ की हर बात सुनेगा क्योंकि उसकी माँ उसकी बेस्ट फ्रेंड है और रोज वो अपनी माँ से आई लव यू कहेगा। अब लड़कियों की बात करने के लिए वो बहुत छोटा था, फिर भी जॉन उससे कहता है उसे हमेशा लड़कियों को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करना है क्योंकि लड़कियां प्रिंसेस ही होती है। ये सब बोलते हुए जॉन की आंखों में आंसू थे क्योंकि कुछ देर बाद वो अपने बेटे से कभी नहीं मिल पाएगा। जॉन आगे कहता है उसे जितने हो सके पैसे कमाने हैं, अपने बाप की तरह उसे बेवकूफ नहीं रहना है क्योंकि सब कुछ आसान है लेकिन पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। साथ ही कहता है वो कभी स्मोक ना करे और लोगों के साथ हमेशा नरमी से पेश आए और उसे हमेशा बुरी चीजों से दूर रहना है क्योंकि बाहर दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीजें उसका वेट कर रही है। ये सीन और डेंजिन वॉशिंगटन की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। जॉन आगे कहता है वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा, हमेशा उसके साथ ही रहेगा। अब उसे आई लव यू बोलकर और उसके माथे को चूम कर जॉन बाहर आ जाता है। वही दूसरी तरफ उस हॉस्पिटल में जहां माइक एडमिट था, वहां एक फैक्स आता है, वो डोनर मैच की रिपोर्ट थी। उसे वो डॉक्टर देखता है जो माइक का ख्याल रख रहा था, उसमें माइक का नाम अंडरलाइन था। ये देखकर तो पहले उसे यकीन ही नहीं होता, लेकिन वो तुरंत उस रिपोर्ट को लेकर भागता है। वही ऑपरेशन थिएटर में रेमंड, स्टीव और एलन निराश बैठे थे, तभी वहां जॉन आता है क्योंकि अब उन्हें प्रोसीजर शुरू करनी थी। जॉन वहां गन रखकर उसमें बुलेट डालता है, तब उन्हें समझ में आता है शुरुआत से ही जॉन की गन में बुलेट थी ही नहीं, उसने सिर्फ खुद को मारने ही गन लाई थी। अब जॉन गन लोड करके खुद को मारने तैयार था। अब जॉन एलन से कुछ टॉवेल मंगवाता है ताकि उसका खून ना उड़े। वही दूसरी तरफ वो डॉक्टर रेबेका के पास पहुंचकर बताता है उन्हें माइक का मैच मिल गया है। पहले तो इस बात पर रेबेका को यकीन नहीं होता। वही इस तरफ जॉन खुद को मारने पूरी तरह तैयार हो चुका था। वही बाहर रेबेका खुशखबरी लेकर डेनिस के पास पहुंचती है, लेकिन अंदर तीनों के सामने जॉन अपने माथे पर गन लगाकर ट्रिगर दबा देता है, लेकिन लकीली बुलेट नहीं चलती। जॉन की हालत काफी खराब हो चुकी थी, वो कांप रहा था। दरअसल उसकी गन सेफ्टी मोड में थी। बाहर डेनिस को रेबेका यकीन दिलाती है ये बिल्कुल सच है और 15 मिनट में ही हार्ट यहाँ पहुंच जाएगा। फ्रैंक डेनिस को वॉकी टॉकी देता है ताकि वो ये खुशखबरी जॉन को दे सके। वो जॉन को आवाज देती है, अंदर वॉकी टॉकी वही रखा हुआ था। जॉन डेनिस की आवाज सुन रहा था, लेकिन जॉन उसे रिप्लाई नहीं करता और वॉकी टॉकी ऑफ कर देता है। अब अंदर जॉन खुद को गन लगाकर शूट करने ही वाला था। बाहर डेनिस
दौड़ती हुई दरवाजे के पास आ रही थी। वो दरवाजे के पास पहुंचकर कहती है, करिश्मा हो गया, उन्हें हार्ट मिल गया है। लेकिन ये सीन यही कट हो जाता है। अब 15 मिनट बाद न्यूज के जरिए हम देखते हैं हेलीकॉप्टर से हार्ट वहां पहुंच गया है। तभी कुछ देर बाद हॉस्टेजेस बाहर आने लगते हैं। पुलिस उन्हें दूर ले जा रही थी। फिर कैप पहनकर और हाथ में गन लिए जॉन बाहर आता है। उसके आते ही लोग चिल्लाने लगते हैं। जॉन गन वहीं रखकर नीचे बैठ जाता है और पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। अब वहां फ्रैंक आता है। गस उसे कार में ले जा रहा था, लेकिन फ्रैंक देखता है वो जॉन नहीं बल्कि लेस्टर है। लेस्टर को देखकर फ्रैंक को हंसी आ जाती है। वहीं अंदर कुछ डॉक्टर्स और उनका क्रू माइक को ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे। वहां पुलिस ऑफिसर भी थे, लेकिन उस क्रू में जॉन भी था। अब अंदर माइक का ऑपरेशन शुरू हो गया था और बाहर से डेनिस और जॉन ऑपरेशन को देख रहे थे। तभी वहां फ्रैंक आता है। अब उसे जॉन को गिरफ्तार तो करना ही होगा, लेकिन वो ऑपरेशन खत्म होने तक जॉन को रुकने देता है। अब कुछ घंटों बाद माइक का ऑपरेशन कंप्लीट होता है और वो हार्ट माइक के अंदर अच्छे से काम कर रहा था, मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ये देखते ही डेनिस और जॉन खुशी से रोने लगते हैं। अब जॉन के इस कदम से अमेरिका में HMO कैटेगरी के इंश्योरेंस को लेकर बातें होने लगी थी। लोग HMO के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और बच्चों को भी वैसा ही इंश्योरेंस देने की मांग कर रहे थे जैसा इंश्योरेंस पॉलिटिशियंस खुद के लिए लेते हैं। कई जगह लोग जॉन के सपोर्ट में थे। अब 3 महीने बाद जॉन को कोर्ट में पेश किया जा रहा था। सब उसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे, कोई भी उसे क्रिमिनल की तरह नहीं देख रहा था। जॉन कोर्ट रूम में आता है क्योंकि आज जूरी फैसला सुनाने वाली थी। वहाँ इमरजेंसी वार्ड के सभी लोग मौजूद थे। जॉन पर 3 मामलों में मुकदमा चल रहा था। अब जूरी अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म क्रिमिनल एक्शन के लिए जॉन को बरी कर देती है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। लेकिन तीसरा मामला, मतलब लोगों की किडनैपिंग के लिए जूरी जॉन को दोषी करार देती है, जो सुनकर कोई भी खुश नहीं होता। लेकिन ये क्राइम ही था जिसे पूरी दुनिया में लोगों ने टीवी पर देखा है। अगर अदालत किडनैपिंग के लिए जॉन को दोषी नहीं ठहराती तो हर कोई अपनी बात मनवाने के लिए लोगों को किडनैप करना शुरू कर देता। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। अब अदालत 1 वीक के लिए बर्खास्त होती है। अब जॉन डेनिस और माइक से मिलता है। माइक भी पूरी तरह ठीक हो चुका था। जॉन माइक से अपना और अपनी माँ का ख्याल रखने कहता है। अब जाते समय माइक जॉन से गुड बाय कहता है, लेकिन जॉन कहता है गुड बाय नहीं, सी यू लेटर। अब जॉन को बाहर लाया जाता है जहाँ मीडिया की भीड़ लगी थी। तब उनके पीछे से लेस्टर जॉन से कहता है जॉन उसका हीरो है। अब जॉन को ले जाया जा रहा था। तब माइक जॉन को थैंक यू कहता है और हमेशा की तरह बॉडी बिल्डर की तरह एक्ट करता है और पुलिस जॉन को वहां से ले जा लेती है और ये मूवी भी यही एंड होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।